दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका मोज एम्बेसिडर प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और फिर भी आप एम्बेसिडर की तरह ही अर्निंग करना चाहते हो मोज एप्लीकेशन के थ्रू, तो मैं आपके लिए लेके आया एक बढ़िया सी जानकारी जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। मोज एम्बेसिडर जो प्रोग्राम होता है वो एक रेफरल प्रोग्राम ही है और मोज एप्लीकेशन के अंदर भी रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। दोनों प्रोग्राम सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोज एम्बेसिडर मतलब सिटी में जो भी, यानी कि सिटी एम्बेसिडर और कैंपस एम्बेसिडर, दो एम्बेसिडर प्रोग्राम है। और सिटी यानी कि सिटी के अंदर जो भी बंदे होते हैं, क्रिएटर होते हैं, उनको हमें लाना होता है और रेफर करना पड़ता है, ठीक है उनका। और कैंपस एम्बेसिडर मतलब कि स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं उसके दोस्त होते हैं स्कूल में, उसको रेफर करके यहाँ पर लाना होता है क्रिएटर को, ठीक है। तो दोनों प्रोग्राम सेम है। रेफर प्रोग्राम जो मोज एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है वो भी ठीक इसी तरह ही होता है और वहाँ पर भी आपको पेमेंट सेम मिलता है, मतलब पर रेफर यहाँ पर 1000 रुपये मिलते हैं और यहाँ पर जो मोज एप्लीकेशन के अंदर आप काम करोगे रेफर का, इसमें पर रेफर आपको 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या क्या करना होता है, किस तरह से आपको 500 रुपये मिलेंगे, वो मैं आज आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल के साथ, यानी कि प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ। जो मुझे यहाँ पर 4 रेफर के 2000 रुपये मिले, मतलब 4000 मिनट्स जो मुझे मिले हैं, वो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि इस प्रोग्राम में आप हिस्सा कैसे ले सकते हो, इसमें काम कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको भी पर रेफर 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं पेमेंट का प्रूफ दिखा दूँगा, इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर, तो ये मेरी आईडी है जिससे मैंने रेफ़र किए थे कुछ बंदों को और लगभग मैंने 4 बंदों को रेफ़र किया था और 4 बंदों का जो पेमेंट होता है वो मेरा पर रेफ़र 500 रुपये मतलब 2000 पेमेंट होता है। तो मुझे मोज वॉलेट में 4000 मिनट्स मिले थे और ये जो प्रोग्राम था इसमें मैंने 1 महीने पहले रेफ़र किया था, तो 1 महीने बाद यानी कि 45 से 50 दिन के बाद मुझे ये पेमेंट मिला है, ठीक है। तो टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है पेमेंट का, तो पेमेंट मिलता जरूर है, ठीक है। तो लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूँ मोज वॉलेट में जाके, जो मैंने ऑलरेडी जो पेमेंट है वो तो मैंने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन डिटेल जो हिस्ट्री होती है इसमें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट हिस्ट्री में जाता हूँ, मिनट्स में जाता हूँ, और ये जो फर्स्ट वाले 4000 मिनट्स है आप देख सकते हो 18/5 को मुझे रिसीव हुए थे, और ये जो आप देख रहे हैं रिसीव बाय क्रिएटर रेफरल, ठीक है। तो क्रिएटर रेफरल का मुझे 4000 मिनट्स मिला था, जो 2000 रुपया होता है पर रेफर 500 रुपया, मतलब 4 रेफर मैंने किए थे और चारों रेफर मेरे वैलिड हो गए, तो 4000 मिनट्स मुझे मिले हैं, मतलब 2000 रुपये मुझे मिल गए थे। दोस्तों पेमेंट का प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया, जो मेरे 4000 मिनट्स मुझे मिले हैं वो 4 रेफर के मुझे मिले हैं, मतलब 2000 रुपये मुझे रिसीव हो गए थे। यहाँ पर मेरी ये दूसरी आईडी है, दूसरी आईडी से मैं आपको रेफ़र कैसे करते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको ध्यान से समझाऊँगा और आपको ध्यान से समझ भी लेना है, ठीक है, ताकि आपको भी यहाँ से एम्बेसिडर की तरह ही अर्निंग करने का एक मौका मिलने वाला है। ऊपर आपको तीन चीज़ें दिख जाएगी जिसमें बीच में रुपीस का सिंबल बना है, वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 तरह के रेफरल प्रोग्राम है, जो न्यू लिखा है वो एक इनवाइट फेलो रिजल्ट यानी कि फेलो क्रिएटर का एक प्रोग्राम है, और नीचे तो जो इनवाइट फ्रेंड वाला है वो तो ऑलरेडी पहले था। दोनों सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इनवाइट फेलो क्रिएटर वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पर रेफर 500 रुपये, ऊपर आप देख सकते हो पर रेफर को आपको 500 रुपये मिलेंगे। वैलिड यानी कि वेरिफिकेशन किस तरह से इसमें करना है वो आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको 500 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पूरी डिटेल रूल्स एंड गाइडलाइंस देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेफर ए क्रिएटर फ्रेंड ऑन मोज, अपने दोस्तों को आपको रेफ़र करना है, मतलब नीचे एक व्हाट्सएप का सिंबल बना है इनवाइट बाय व्हाट्सएप, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो एक लिंक क्रिएट होकर आपको दोस्तों को सेंड कर देनी है, जैसे कि मैं ये लिंक यहाँ पर मेरे नंबर पे ही सेंड करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी लिंक से अगर आपका कोई दोस्त डाउनलोड करता है एप्लीकेशन को, तो डाउनलोड जब भी वो कर देता है तो उसको आपको गाइड करना होगा, ठीक है, कि क्या क्या इसमें करना है। तो सेकंड नंबर का यहाँ पर बोला गया है, वंस द इनवाइट हैज़ इंस्टॉल्ड द मोज ऐप एंड क्रिएट 5 वीडियो, यानी कि 5 वीडियो इनको बना देनी है, मतलब आपको बोल देना है कि अगर आपने मोज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है तो मोज कैमरा के थ्रू आप अपनी कैटेगरी में 5 वीडियो अपलोड कर दो, ठीक है। 5 वीडियो जब भी अपलोड कर देता है, इसके बाद MFC यानी कि मोज फॉर क्रिएटर का जो अप्लाई करने का बटन होता है, सबमिट करने का, फॉर्म सबमिट करने का, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोल देना है कि आप मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम में जाइए, यानी कि यहाँ से आप ऊपर क्लिक करोगे
तो थ्री लाइन पे क्लिक करने पर थर्ड नंबर का एक ऑप्शन आता है मोज फॉर क्रिएटर, ठीक है। आपको सब कुछ इसे समझाना पड़ेगा। मेरा तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, वो अगर न्यू बंदा होगा तो यहाँ पर क्लिक करने पर उसको एक फॉर्म सबमिट करने को बोला जाएगा जिसमें कैटेगरी आएगी। कैटेगरी के बाद अगर उसके प्रोफाइल कंप्लीट है और 5 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं तो सबमिट बटन जो होता है वो ऑन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको सबमिट करने को बोल देना है, ठीक है। ये जब भी सबमिट कर देता है और डेली अपनी कैटेगरी पर मोज कैमरा के थ्रू 2-2 वीडियो डालता रहता है तो उसका सिलेक्शन मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम में हो जाता है, तभी आपकी वैलिड लीड यानी कि वैलिड रेफर होगा, ठीक है। तो वैलिड रेफर होने के बाद यहाँ पर योर फ्रेंड सोल्ड अप्लाई MFC विद इन 7 डे फ्रॉम रेफरल एंड कंटिन्यूस के कंसिडर, मतलब कि जब भी आप इसे रेफर करते हो वो अपनी आपके लिंक से डाउनलोड करता है तो 7 दिन के अंदर मोज फॉर क्रिएटर में अप्लाई करवा देना है, ठीक है। उसको अप्लाई करने के बाद 15 दिन का उसे वेट करना पड़ेगा, मतलब डेली वीडियो डालनी है, ठीक है। वो उसको बोल देना है कि आपको डेली 2-2 वीडियो डालनी है अपनी कैटेगरी जो सिलेक्ट की उस पर, ठीक है। तो उसका 15 दिन के अंदर MFC में सिलेक्शन हो जाता है तो सक्सेसफुल रेफर आपका हो जाता है, ठीक है। और 500 रुपये यानी कि 1000 मिनट्स आपको अगले मंथ 15 से 20 डेट के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लो अभी आपने रेफ़र किया है तो 1 महीने बाद यानी कि अभी मई चल रहा है, जून और जुलाई 15 से लेकर 20 तारीख के अंदर पेमेंट आपको मिल जाता है। जो पेमेंट जो होगा वो मोज वॉलेट में मिंट्स के रूप में आएगा। मिंट्स का मतलब यानी कि आपको 1000 मिंट्स पर रेफ़र मिलेंगे तो 500 रुपये बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको रेफ़र करना है। अगर आपका एम्बेसिडर प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आप इस तरह से रेफ़र करके अर्निंग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहीं से डायरेक्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।